आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाए। स्वाति ने आतिशी को डमी सीएम बताते हुए कहा कि यह दिल्ली के लिए बहुत दुख भरा दिन है। वहीं स्वाति के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि स्वाति राज्यसभा तो आम आदमी पार्टी से जाती है लेकिन स्क्रिप्ट बीजेपी की पढ़ती है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने स्वाति से राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा तक मांग लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्वाति मालीवाल ने ऐसा क्या कुछ कहा है जिसपे आम आदमी पार्टी, जिससे कि वो सांसद हैं, वो भड़क उठी है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया गया है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी थी। ये सब उन्होंने अपने बयान में कहा है। स्वाति मालीवाल को पहले सुनिए, फिर बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। स्वाति मालीवाल को सुना आपने। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, दिल्ली के सांसद होने के नाते दिल्ली और देश की आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी दिल्ली आतंकी अफजल प्रेमी हाथों में जाए और मैं चुप बैठ जाऊं, हरगिज नहीं हो सकता। मेरे खिलाफ जो मर्जी बोलो, आतंकी अफजल के रिश्तों पर जवाब देना होगा। आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल का ये सोशल मीडिया पोस्ट। स्वाति मालीवाल के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने पलटवार किया। दिलीप पांडे ने स्वाति पर हमला बोलते हुए कहा कि वो राज्यसभा तो आम आदमी पार्टी से जाती हैं, लेकिन स्क्रिप्ट बीजेपी की पढ़ती हैं। अगर उनमें थोड़ी शर्म बची है तो उन्हें राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा का रास्ता चुनना चाहिए। दिलीप पांडे जमकर भड़के हुए दिखाई पड़ रहे हैं स्वाति मालीवाल पर। सुनिए, जिस तरीके से अब आतिशी को अभी आप लोगों ने विधायक दल का नेता चुन लिया है, वो नई मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन उन पर आरोप भी लग रहा है कि अफजल गुरु के समय पर उनके माता पिता ने ऐसा, आप ही के एक पूर्व सांसद जो है स्वाति मालीवाल, तो आप ही मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आप सब लोग इस बात को समझिए, स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए। धन्यवाद। मुझे भी कह रही है कि डमी है। आप सब जानते हैं कि आतिशी और स्वाति मालीवाल के बीच जुबानी जंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी स्वाति मालीवाल ने जब सीएम हाउस में उनके जो पूर्व पीए थे विभव राय, सीएम के जो पूर्व पीए थे, केजरीवाल के जो पीए थे, उनके साथ जब बदसलूकी हुई थी विभव राय के द्वारा, तब आतिशी ने स्वाति पर हमला किया था। तब आतिशी ने दावा किया था कि सांसद स्वाति मालीवाल अवैध भर्ती मामले में आरोपों का सामना कर रही हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसी वजह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ब्लैकमेल करके मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनाया। इतना ही नहीं, आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल मुलाकात का समय लिए बिना मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर पहुंच गई थी। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का यह बयान, आम आदमी पार्टी लगातार इस पर हमलावर है। प्रतिक्रिया इस तरह की है कि उनसे इस्तीफा तक मांगा जा रहा है।
स्वाति मालीवाल जिस तरीके से आतिशी पर हमलावर हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले जब उनसे बदसलूकी हुई थी उस वक्त आतिशी उन पर हमलावर थी, और आज जब आतिशी मार्लेना दिल्ली की सीएम बनी है तो स्वाति मालीवाल जो उनकी पार्टी की ही हैं और कभी उनकी सहयोगी हुआ करती थी, वो आज उन पर हमलावर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।